व्यक्ति ये जन्मजात बात है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसको पढ़ना लिखना जरूरी है। लेकिन आज ये क्यों ये जरूरी हो रहा है कि हमें इन चीजों को फिर से रिकॉल करना पड़ रहा है, तो मैं एक छोटी सी कहानी है जिसको शेयर करना चाहूंगा, शायद कुछ प्रतिभागी उस सेशन के भी हों। एक बार की बात है, समुद्र का किनारा था और समुद्र के किनारे पर पेलिकन पक्षी होते हैं, सफेद जिसे बोला जाता है, सफेद पक्षी होता है। पेलिकन थ्योरी, इस थ्योरी का पूरा नाम है और पेलिकन थ्योरी इस पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी साइंस के ऊपर पूरी पूरी लागू होती है। समुद्र का किनारा था, पेलिकन पक्षी वहां पर थे। पेलिकन पक्षियों का अपना जीवन यापन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके में वो करते क्या है कि समुद्र की जो मछलियां हैं उनको वो खाकर अपने जीवन यापन करते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करता है, वो पेलिकन भी जद्दोजहद करते थे, वो उनका तरीका था अपने जीवन यापन करने का। लेकिन हुआ क्या है कि जियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं और जब वो चेंजेस आए तो समुद्र में जो मछलियां थी वो मरने लगी, और जब वो मछलियां मरी तो समुद्र का अपना एक स्वभाव होता है कि मरी हुई चीज को वो बाहर किनारे की तरफ फेंक देता है। तो जैसे ही वो मछलियां समुद्र के किनारे पर मर के आना शुरू हुई तो पेलिकन पक्षियों को जीवन जीने की जो जद्दोजहद थी वो कम हो गई और उनको उनका खाना किनारे पर ही मिलना शुरू हो गया बिना किसी जद्दोजहद। उन्होंने उन मछलियों को खाना शुरू कर दिया। एक जनरेशन जिसने शुरुआत की थी उसकी दूसरी जनरेशन आई, उसने भी वही चीज की। तीसरी जनरेशन आई, उसने भी वही की, और चौथी जनरेशन आई तो उसने भी वही की। लेकिन तब तक जो पहली वाली जनरेशन थी वो इस दुनिया से जा चुकी। जब वो पहली वाली जनरेशन जा चुकी जिसके पास वो स्किल था, जिसके पास वो हैबिट्स थी जिससे कि वो अपने जीवन को जी सकता था, वो दूसरी तीसरी और चौथी पीढ़ी के पास नहीं। लेकिन तब तक क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने खोज की कि समुद्र की मछलियां क्यों मर रही हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारा जो असंतुलन हो रहा है इसको ठीक किया जा सके। तो उन्होंने जो सुझाव दिए या जो उन्होंने प्रयास किए, उन प्रयासों के कारण वो मछलियों का मरना धीरे धीरे कम हो गया, वो मछलियां किनारों पर आना भी कम हो गई। जैसे ही वो मछलियों का आना कम हुआ, इधर पेलिकन का मरना शुरू। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका भोजन किनारों पर मिलना धीरे धीरे बंद हो गया तो उनका मरना शुरू। तो फिर एक चर्चा का विषय हुआ, सोचने का विषय हुआ कि इन पेलिकन पक्षियों का आप क्या करें, अब ये मरना शुरू हो गए हैं। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, जहां तक एक स्टडी ये कह रही है कि ये वो चीज भूल गए हैं जिससे इनके जीवन को बचाया जा सके, इनको हमें फिर से सिखाना पड़ेगा। तो समुद्र के किसी दूसरे किनारे से और पेलिकन पक्षी को पकड़ के लेके आए पक्षियों को, और यहां पकड़ने के बाद यहां पर छोड़ दिया गया जहां पर ये पेलिकन मर रहे थे धीरे धीरे। तो जब उन पेलिकन बर्ड्स को इन्होंने वो शिकार करते हुए देखा तो जो जो पक्षी अपना शिकार करना भूल गए थे उन्होंने उनसे सीखना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ये जो पेलिकन थे जो मर रहे थे वो भी उस तरह से शिकार करना सीख गए, और जब ये सीख गए तो इनका मरना भी बंद हो गया। तो मेरा सीधा सीधा एक यहाँ पर रिलेट करना है इस कहानी के माध्यम से कि वक्त है अभी हमारे पास, हम इन चीजों को देख लें, सोच लें। क्योंकि यूनेस्को का एक सर्वे आया हुआ है जो मैंने स्लाइड में लिया है कि ऐसा ना हो कि हम जो आज हमारे पास विरासत है, हम सबके पास जो विरासत है, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम धीरे धीरे आगे निकलता जाए और उस विरासत को हम लेकर यहाँ पर चले जाए और हमारी जनरेशन का भी वही हाल हो जो भी पहले का। तो प्लीज मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा थोड़ा सा हम चेयर को उधर करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, एक बहुत बड़ा विषय है। अभी मैं 21 दिन के इंटरव्यू कोर्स पर जब गया हुआ था तो वहां पर जो चंडीगढ़ रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अपने अपने स्कूलों में लागू करना होगा। और आज सौभाग्य है कि ज्यादातर हम लोग यहाँ पर हैं, आप सभी जो आए हुए हैं अपने अपने विद्यालयों में जाके इन चीजों को हम कर सकते हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर प्राचार्य और कहना चाहिए कि प्राइमरी सेक्शन के हेड के रूप में आए। तो कुछ कुछ सजेशन हैं जो यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने दिए और ये कलेक्शन किया हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पर है, इट इज वेल सेड, रीडिंग इज टू माइंड, व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। ये
ब्रीथिंग हैबिट भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से एक दिमाग को भी हमें ब्रीथिंग की जरूरत होती है। क्योंकि अगर ब्रेन कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है, उपजाऊ अगर कोई जमीन है तो वो है दिमाग, और उसका खाद है केवल रीडिंग। बहुत अच्छी किताब है। एंड नेक्स्ट, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। फ्रांसिस बेकन ने ये चीज कही कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। मीन्स ये क्लियर है, मुझे इसे ना मतलब बताने की जरूरत है। मेन चीज है, अ बुक कैन एक्ट लाइक डायनामाइट एंड चेंज द लाइफ ऑफ people. It's a weapon which can also bring peace and harmony. ये clear है कि बिना किताबों के हम वो चीजें नहीं कर सकते जो इन लाइनों में लिखी हुई हैं। So good books broaden our mental horizon and enlarge our vision. मुख्य चीज कही जाती है कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों और टारगेट्स को अगर पूरा करना है तो उसे अच्छा सोचना पड़ेगा, और अच्छा सोचने के लिए अच्छी किताबों का उसे अध्ययन करना पड़ेगा। अलार्म यहाँ पर ये है, यूनेस्को ने एक सर्वे किया पूरे विश्व का, और हमारे लिए बड़ी शॉक बात रही, एवरेज रीडिंग रेट इन इंडिया इज 16 पेजेस इन अ ईयर। यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया कि जो हिंदुस्तान में रीडिंग रेट है वो औसतन केवल 12 पेज है इंडिया में, जबकि अगर हम और नीचे देखें और अगली लाइन को पढ़ें तो जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं जहां पर कहा गया आईटी बहुत अच्छी है हम लोगों से ज्यादा, कंप्यूटर की यूजेज बहुत ज्यादा, हर चीज हमसे वो आगे है, क्योंकि कई बार होता है हम एक चीज कह देते हैं कि वो कंप्यूटर के कारण या इंटरनेट के कारण आजकल बच्चों में रीडिंग हैबिट कम हो रही है। लेकिन ये सर्वे इस चीज को बताता है कि अगर देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज में 200 पेजेस इन अ ईयर, यदि यानी वहां पढ़ने की जो रेशो है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा है। Vanishing reading habit, a matter of concern. इसलिए अगर इस हम सर्वे को देखते हैं तो रीडिंग हैबिट को डेवलप करना या डेवलप करने के बारे में सोचना एक वास्तव में एक सोचनीय विषय है जिस पर हमें विचार करना होगा, क्यों करना होगा, हमें ही क्यों करना होगा वो अगली बात है। Due to lack of reading habit, they are think and will remain empty. आज अगर हम बात करते हैं कि बच्चों में मोरल एजुकेशन की बहुत जरूरत है, मोरल उनके जो एटिकेट्स हैं बच्चों में एटिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, एक मुख्य चीज होती है जहां तक मैंने फील किया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को यदि उसकी शॉर्ट कमिंग को बताते हैं तो उसके उसका ईगो हर्ट होता है, कारण क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी होते हैं। लेकिन विश्व में ये बुक एक ऐसी चीज होती है जो थर्ड पार्टी होती है, यदि कोई व्यक्ति बुक को पढ़ रहा होता है और जब बुक को पढ़ते हुए अपनी शॉर्ट कमिंग के बारे में या कमियों के बारे में उसको जानकारी मिलती है तो उसका ईगो हर्ट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली बोलता है कि यस आई गॉट इट, मुझमें ये कमी थी इसलिए मैं यहाँ फेलियर था, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। वो चीज नेक्स्ट, हमें कहीं ना कहीं नीड द इन रीडिंग हैबिट को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। किस तरह से हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। रीजन फॉर डिक्लाइनिंग रीडिंग हैबिट, मुख्य चीज ये है कि जो समस्या हमारे सामने है वो आ क्यों रही है, उसके पीछे कारण क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि मॉडर्न चाइल्ड डिस इंटरेस्ट इन रीडिंग, आजकल जो बच्चे हैं जो हमारे अगर स्कूलों में हम देखें तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं रीडिंग में कि उनके लिए किताबें पढ़ने के लिए दी जाए या वो किताबें पढ़े, उनमें इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। ट्रेंड टू वॉच टू मच टीवी, टेलीविजन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इसके अलावा बात करें रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल होता है इंटरनेट पर, उन्हें रेडीमेड मटेरियल मिल जाते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती उनको किसी भी किताब को पलटने की। अगर हम अगली बात करें टेंडेंसी टू अडॉप्ट शॉर्टकट, वो बहुत जल्दी शॉर्टकट देखने लगते हैं, अमूमन देखते हैं गाइड को ले आते हैं, बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए गाइड को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, दे प्रेफर गाइड टू टेक्स्ट बुक। एजुकेशन सिस्टम इज एग्जाम ओरिएंटेड, इट इज नॉट अ शॉर्ट कमिंग, इट इज अवर सिस्टम, बट जो फैक्ट है वो ये है कि आज हमारा एग्जाम सिस्टम जो है ना टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है। नेक्स्ट, स्क्योरिंग हाईएस्ट मार्क इन मेन एंड नॉट एक्वायरिंग नॉलेज, अभी कल ही परसों के दिन सर बता रहे थे कि केवल और केवल 98% नंबर ले लेने से कुछ नहीं होता, अगर हमारे अंदर एटिकेट्स नहीं है, अगर हमारे अंदर बिहेव नहीं है, अगर हम सोसाइटी के साथ साथ में नहीं चल सकते हैं तो भी हम लाइफ में फेल हैं। तो मुख्य चीज है, आज की तारीख में हर पेरेंट्स हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे 99% मार्क्स मिल जाए, मैं IIT या कुछ भी MBBS ये वो हो जाऊँ और उसके बाद आगे की बात। हैवी लोड
ऑफ होमवर्क एंड प्रोजेक्ट। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास होमवर्क बहुत ज्यादा हो। केवल केंद्रीय विद्यालय नहीं, ये ऑलओवर अगर बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात है, ये क्रेज फॉर कोचिंग, क्रेज फॉर कोचिंग क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स। मेन चीज हो गई है कि बच्चों के अंदर एक बात बन गई है कि हमें स्कूल में इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाई कि हम कोचिंग से बहुत अच्छी जानकारियां ले सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो उनका टाइम है लाइफ का, वो कहाँ निकल जा रहा है, स्कूल और स्कूल के बाद कोचिंग में। अभी बात करें डाइवर्सन लाइफ, टीवी, क्रिकेट, सिनेमा, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल और मटेरियल अवेलेबल इजीली, ये सारे चीजें भी बच्चों को आज रीडिंग हैबिट्स को बहुत कम कर रही है। गेटिंग अ बुक एज अ गिफ्ट इज नॉट अप्रिशिएटेड, ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे याद है मैं 6th-7th में जब पढ़ता था तो शायद डिक्शनरी तमाम तरह के वो छोटी छोटी सी जीवनियों की किताबें जो कि बहुत सस्ते पब्लिकेशन की मिलती थी और उनको हमें कभी पोएम बोलने पर, कभी किसी एक्टिविटीज जिनको हम कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वो चीजें दी जाती थी। आज की तारीख में ये चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। टीवी इज वेरी पावरफुल मीडिया एंड चिल्ड्रन आर टोटली अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। टीवी के प्रभाव में बच्चे पूरी तरह से आज की तारीख में आ चुके हैं। टीवी के अलावा मैं समझता हूँ, मेरा ये खुद का बेटा है और ये जब पहली क्लास में अभी आया है और स्कूल से आता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आते से ही पहले वो टीवी पे चिपक जाता है और बोलता है पापा अभी पढ़ाई की बात मत करो, अभी तो 8 घंटे हम स्कूल में से पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम कोई ना पढ़ेंगे ना कोई लिखेंगे ना कोई अभी होमवर्क करेंगे। देन बट दे वॉच ओनली, अगर हम थोड़े से और बड़ी उम्र के बच्चों की बात करें, बट दे वॉच ओनली प्रोग्राम ऑफ वायलेंस, क्राइम एंड रियलिटी शो। आज की तारीख में टीवी में केवल और केवल रियलिटी शोज की भरमार पड़ी हुई है और उसको देख के बच्चा ये सोचता है कि अगर अमिताभ बच्चन केबीसी की सीट पर बैठा है तो वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसने ब्राउन हेयर किए हुए हैं, ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है। ये नहीं देखा है कि उस व्यक्ति ने स्ट्रगल कितना किया है। कहीं ना कहीं अगर ये सारे रीजन है तो हमें सोचना पड़ेगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ लाइब्रेरियन। अगर मैं बात करूँ स्कूल की तो टीचर और लाइब्रेरियन ये इस चीज को प्रयास कर सकते हैं और एक तरफ पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स का पार्ट इसलिए और जुड़ा है क्योंकि आज जितने भी हम प्रतिभागी हैं कहीं ना कहीं पीटीए प्रत्येक स्कूल का पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन होती है। हम अगर उनके अंदर एटीट्यूड और अगर सोसाइटी से रिलेट करने की अगर हम बात करें बच्चों की, तो पीटीए में ये चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से रीजन या कौन कौन से सुझाव हैं जिनको हम दे सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ से प्रयास होंगे और हमारा टारगेट होगा एक बच्चा। नेक्स्ट, पेरेंट्स रोल, पेरेंट्स के क्या रोल हो सकते हैं, एज अ पेरेंट अगर हम बात करें तो क्या रोल हो सकते हैं, कैसे हम यंग। सबसे पहली चीज है, अगर किसी बच्चे को हमें रीडिंग हैबिट या बहुत अच्छी चीजों को हमें सिखाना है तो उसे बिल्कुल छोटे से में हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा, जिन्हें हम कहते हैं सुरक्षित हाथ। उसके बाद गिव योर चाइल्ड अ बुक ऑन स्पेशल ओकेजन, कलरफुल पिक्टोरियल बुक कैन बी गिवन टू टूटर। मैं कुछ कलरफुल पिक्चर्स भी लेके आया हूँ, कुछ बुक्स हैं जो अभी हमने पढ़ी भी हैं, इस तरह की बुक्स को हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। मैं ये पेरेंट की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हम उस पीटीए में उन टीचर से या उन पेरेंट्स से हम बात कर सकते हैं जिनके लिए या जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट, इफ चाइल्ड एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट, अगर वो बच्चा इस तरह की बुक्स में किसी भी तरह का कोई अगर इंटरेस्ट वो दे रहा है तो उनको उसके विषय से संबंधित हम किताबों को उसे गिफ्ट देना भी शुरू करें। शुरुआत में हम अपने इंटरेस्ट का देंगे, आगे से वो फिर अपने इंटरेस्ट को भी शुरू करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन एंड टीच देम द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग की अगर बात करें तो वो आगे की प्रोसेस है, बट इट इज द पार्ट ऑफ रोल। द नेक्स्ट, रीड आउट अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, ही और शी विल एंजॉय लिसनिंग। मैं जहां तक समझता हूँ प्राइमरी में हर जगह क्लास लाइब्रेरी है। क्लास लाइब्रेरी में ये जरूरी नहीं है कि बच्चा बुक को ले और बुक को लेने के बाद वो वहाँ रीड आउट करना शुरू कर दे, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो कम से कम हम इतना करें कि उस जो भी अच्छी एक किताब है उस किताब को हम लें, 40 के 40 बच्चों को साथ बैठाएं और एक कहानी पढ़ें और उस कहानी को पढ़ने के बाद उन बच्चों के इंटरेस्ट को देखें। क्या वो क्लासिकल बुक
क्लासिकल स्टोरीज में इंटरेस्टेड है, फेरी टेल्स में है, या आज की जो हमारी लाइक दैट चंपक, इस तरह की किस तरह का वो इंटरेस्ट ले रहा है। और ये पक्की बात है कि अगर हम बच्चे के इंटरेस्ट की अगर कहानियां और बुक्स अगर हम उनको देंगे तो वो सुनेंगे भी, और सुनने के बाद जब उनसे छोटे छोटे से क्वेश्चन और कर दिए जाएंगे तो ये पक्की बात है कि वो बच्चे की इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। अगला, रीड बुक टूगेदर एंड डिस्कस देम ऑफ द बुक। उनके साथ में पढ़ा, पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ, वेन ही लर्न रीडिंग, आस्क हिम टू रीड अलाउड फॉर यू। जैसे हम अगर किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं और लाउडली उसको पढ़ के सुना रहे हैं तो हम धीरे धीरे एक एक बच्चे को भी उनको पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि बेटा अब आप पढ़ना शुरू करो, अब आप पढ़ना शुरू करें, अब आप पढ़ना शुरू करें। तो जब वो एक दूसरे को पढ़ते हुए देखेगा, जैसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, या जिस तरह से हम कहेंगे कि बच्चा देखते ही सीखता है, अगर हम जैसा जैसा करेंगे बच्चा जैसा जैसा करना सीख जाएगा। तो ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज हैं, बी योरसेल्फ अ गुड रीडर एंड शेयर विद योर चाइल्ड व्हाट यू हैव रीड। नेक्स्ट, ये तीसरी स्टेज मैं बात करूं, पहला था प्राइमरी, या प्राइमरी से भी एलिमेंट्री क्लासेस की हम बात कर लें। उसके बाद सेकंड वाला जो था मिडिल जोन, और ये है 9 to 12। यहाँ 9 to 12 में बहुत सारे सजेशन दिए हुए थे, उनमें से ये कुछ एक हैं, डिस्कस देम ऑफ द स्टोरी फिक्शन एंड एनी करंट अफेयर टॉपिक एडिटोरियल लेटर टू द एडिटर विद योर चाइल्ड। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइब्रेरी में हम लोग यहाँ करते हैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ में, आज की तारीख में ये सब चीज़ें होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो इन चीज़ों को हम छोटे लेवल में भी कर सकते हैं। क्लास लाइब्रेरी में जाकर समझता हूँ सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि क्लास लाइब्रेरी के लिए नई लाइब्रेरी पॉलिसी में बहुत सारे नियम बता दिए हैं, लेकिन उन नियमों को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है कि किताबों की संख्या 120 की जाए, और 120 करने के बाद धीरे धीरे बच्चों को कहानियाँ पढ़ पढ़ के सुनाई जाए, उनको एक रजिस्टर में पूरा का पूरा नोट कर लिया जाए। और ज़रूरी नहीं कि बच्चे को लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी ये प्रयास शुरू कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5 महीने के अंदर 3rd, 4th, or 5th के बच्चे बुक्स को ले जाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन कब? जब वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। यदि हम उन्हें तो इस किताब के बारे में, ये किताब में क्या है, उसके काम की क्या चीज़ें, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वो काम करे जिसमें उसका फायदा ना हो। अगर उसको फायदा दिखेगा तो वो पक्की बातें करेगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ये सजेशन स्टेप 3 में है। मैडम ने ये भी उन्हें बड़े बच्चों के लिए है। इसके बाद है टीचर्स लाइब्रेरियन रोल। ये पेरेंट्स के थे पूरे के पूरे, ये टीचर्स लाइब्रेरियन, टीचर्स का लाइब्रेरियन का है, टीचर कैन शेयर सम गुड बुक्स विद स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लास, वो क्लास लाइब्रेरी की बुक्स को भी शेयर कर सकता है, अपनी खुद की बुक को भी शेयर कर सकता है जो वो खुद पढ़ते हैं। टीचर टू एक्शन पर्सनल बुक एंड गाइड टू द स्टूडेंट, अपनी पर्सनल बुक देके भी उनको गाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट लाइब्रेरियन टू हेल्प द स्टूडेंट इन लोकेटिंग द बुक ऑफ हिज हर चॉइस। हमारी क्लास लाइब्रेरी क्लास में होती है, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा एक बड़े से शेल्फ, कई जगह मैंने देखे हैं बहुत बड़े बड़े शेल्फ भी होते हैं, तो उसमें उसको ये लॉकेट करा देना है कि बेटा ये तुम्हारे इंटरेस्ट की क्लासिक बुक यहाँ है, फेरी टेल्स की बुक यहाँ है, आपको अगर डिक्शनरी देखना है तो डिक्शनरी में ये चीज़ें मिलेगी वो यहाँ रखी हुई है। नेक्स्ट, लाइब्रेरियन टू हेल्प स्टूडेंट ये लोकेटिंग समटाइम टास्क फॉर द यूजफुलनेस ऑफ बुक्स एंड रीडिंग मे बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। इट इज अ पार्ट ऑफ, मैं समझता हूँ सही का है, और मॉर्निंग असेंबली आजकल वैसे ही 8 to 10 मिनट की हो गई है, क्योंकि हर जगह एक चीज़ होती है भागो भागो भागो, वो मॉर्निंग असेंबली में जो भी पॉइंट्स हो जाए बहुत होते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि एक बुक रिव्यू या एक बुक के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में जो बच्चों को मोरल और एटिकेट्स को बढ़ा सके, उन चीज़ों को मॉर्निंग असेंबली में करें, क्योंकि सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ बच्चे के दिमाग में हम जैसा डालेंगे 100% ना सही, 10% भी अगर गया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। अगर अगली बात करें, इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट ऑथर्स एंड बुक्स, मीट द ऑथर सेशन कैन ऑल्सो बी एंजॉयबल। हम आपस में भी कर सकते हैं, बच्चों को ऑथर बना सकते हैं, अगर लोकल लेवल में कोई ऑथर है, किसी तरह का कोई पब्लिकेशन है, हम उनको मिलवा सकते हैं। ऑर्गेनाइज बुक भी,
दिस प्रोग्राम मे इंक्लूड बुक स्टॉक, लेक्चर, डिस्कशन, बुक रिव्यूज, बुक एग्जीबिशन एक्सेट्रा। अब यहाँ दो चीजें आती है, एक तो स्कूल लेवल पे हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि जब हम बुक एग्जीबिशन या बुक वीक हम मना रहे हैं तो उन दिनों हम पीटीए मीटिंग रख लें और उन पेरेंट्स को भी हम इन्वाइट कर लें, जिससे कि वो भी उस चीज को देखें और बच्चे भी उन चीजों को देख सकें। नेक्स्ट, द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, द स्टूडेंट कैन गिव अ बुक प्लेटफॉर्म अ कॉमन प्लेटफॉर्म दिस विल इनकरेज अदर्स टू कम ओवर टू रीड। द नेक्स्ट, टीचर कैन रीड अलाउड वंस और ट्वाइस एंड मेक द चिल्ड्रन लिसन, टेलिंग स्टोरीज एंड देन गिविंग द सेम स्टोरी बुक इन द हैंड। मीन्स अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इन सारे सजेशन की, तो कुल मिला के ये है कि यदि हम क्लास लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उन बुक्स को यदि बच्चों को हम अपने से पढ़ के अगर सुनाना शुरू कर देंगे, और यदि बच्चों के ब्रेन में ये बात आ गई कि सच में ये जो बुक्स हमारे क्लास में रखी हुई हैं उसकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बच्चे सुनेंगे उस चीज़ को और सुनने के बाद वो धीरे धीरे उस चीज में इंटरेस्ट लेना भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम इन सारी चीजों को करते हैं तो रिवार्ड की बात आती है। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करता है या कोई नया काम करता है तो उसको रिवार्ड चाहिए। तो यहाँ हम बेस्ट रिवार्ड या बेस्ट रीडर्स अवार्ड हम यहाँ दे सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। हम लोगों ने यहाँ किया, सभी अपने अपने स्कूलों में करते हैं, अभी तक प्राइमरी में शुरू नहीं किया था। सेकेंडरी में बेस्ट रीडर का अवार्ड यहाँ एनुअल फंक्शन में दिया गया। तो प्रत्येक अगर क्लास के जरिए भी छोटे छोटे रिवार्ड के रूप में अगर हम बच्चों को ये चीजें दे देते हैं तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है और व्यक्ति बच्चा उसमें रुचि लेना शुरू कर देता है। समरी अगर देखिए यहाँ पर कहे क्या है, द पेरेंट स्टूडेंट एंड द टीचर प्ले देयर रोल एक्टिवली। अगर पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलकर, जिसके लिए हमने पीटीए को बनाया है, अगर आपस में मिलकर हमने उस बच्चे के डेवलपमेंट की अगर इस स्टोरी को ठीक से कर लिया, अगर बुक के महत्व को उस बच्चे के जीवन में बता दिया, तो जो बच्चा स्टूडेंट होते हुए जिन एटीट्यूड को सीख सकता था उनको बहुत जल्द सीख सकेगा, क्योंकि अगर उसमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई तो इस ब्रेन जो कि सबसे उपजाऊ चीज है इसको अगर बहुत अच्छा भोजन मिलना शुरू हो गया तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में रीडिंग हैबिट क्यों गिरती चली जा रही है। तो इनके रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन लाइब्रेरी एज एन एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो क्लास लाइब्रेरी का कंसेप्ट है और दो पीरियड होते हैं। अगर हमने उस कंसेप्ट को अगर इस लेवल में लागू कर लिया तो ये पक्की बात है कि रीडिंग हैबिट का जो गिरता स्तर है, आज विश्व में हम 16 पेज एक साल में पढ़ने वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। अगर हमने इस लेवल से धीरे धीरे इस चीज को शुरुआत कर दिया तो ये पक्की बात है कि हम सारी चीजों में आगे हैं, तो रीडिंग में क्यों आगे नहीं है, लेकिन जरूरत है प्रयासों की। नेक्स्ट, उन सारे प्रयासों को हमें करना होगा। एक बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी ये कविता है किताबों के ऊपर, कहा है, बुक्स आर कीज टू विजडम ट्रेजर, बुक्स आर गेट्स टू लेंस ऑफ ट्रेजर, बुक्स आर पाथ दैट अपवर्ड लीड, बुक्स आर फ्रेंड कम लेट अस रीड। ओके, मैं बैक कर लीजिए इसको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं केवल दो लाइनों से अपनी पूरे वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं कि बहुत ही सरल है गिरे को उठाना, बहुत ही सरल है गिरे को उठाना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाना, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एक उज्ज्वल भविष्य की, उज्ज्वल भारत की, उज्ज्वल देश की, उज्ज्वल इंसान की और उज्ज्वल एक बहुत अच्छे ह्यूमन की इंडिया में कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।